एक शख्स जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसी जानी मानी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वो उस मौके को गवा बैठा। एक शख्स जिसने उसी आर्थिक तंगी के रहते पापड़ बेचने पड़े। एक शख्स जिसकी वजह से दैनिक मजदूरों जैसे साधारण और गरीब लोगों के बच्चे आईआईटी जेईई क्रैक कर रहे हैं। कौन है ये शख्स जिसके चर्चे आज हर एक की जुबान पर है? नमस्कार, स्वागत है आपका 7i न्यूज में। मैं हूं वैशाली। जिस शख्स की आज बात होने वाली है, उनकी जिंदगी जितनी इंस्पायरिंग है उतनी ही कॉन्ट्रोवर्सीज में उलझी हुई भी है। बिहार के पटना में पोस्टल डिपार्टमेंट में क्लर्क के घर जन्मे आनंद कुमार। पिता की कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते पटना हाई स्कूल, जो एक सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल है, वहां पढ़ाई की, जहां आनंद की मैथमेटिक्स में रुचि जागी। किसी को क्या मालूम था कि यही रुचि उनके जीवन में इतनी शोहरत, इतना नाम लेकर आएगी। ग्रेजुएशन के बाद आनंद ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल किया, लेकिन पिता के देहांत और आर्थिक मुसीबतों के कारण उनका ये सपना सपना ही रह गया। आनंद दिन में मैथमेटिक्स पर ध्यान देते और शाम को पापड़ बेचते थे। एक छोटा सा पापड़ का व्यवसाय जो उनकी माँ घर चलाने के लिए शुरू कर चुकी थी। ये आनंद का मैथ्स के प्रति प्यार कह लीजिए या कह लीजिए उनकी मजबूरी, जिसके कारण 500 रुपए में उन्होंने एक कमरा किराए से लिया। ये कमरा किराए से लेकर मैथ्स पढ़ाना शुरू किया। 1992, जब एक साधारण इंसान खुद का इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला कर लेता है, इस इंस्टीट्यूट का नाम रखा गया रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। समय बीता, दो स्टूडेंट्स को लेकर शुरू की गई इस क्लास में 36 बच्चे शामिल हो गए। थोड़े समय बाद ही इस क्लास में 500 बच्चे शामिल हुए। साल 2000 की शुरुआत में आनंद के पास एक गरीब बच्चा आता है और वो बच्चा उनसे कहता है कि वो आईआईटी जेई की तैयारी करना चाहता है, लेकिन वो इतना गरीब है कि एडमिशन फीस नहीं भर सकता। और इसी बच्चे के कारण आनंद को प्रेरणा मिली कि 2002 में शुरू हुआ उनका सुपर 30 प्रोग्राम। सुपर 30, जिसकी वजह से आज आनंद को पूरी दुनिया में पहचान मिल चुकी है। आनंद ने अभयानंद नाम के एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में सुपर 30 प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसमें उन बच्चों को ना ही सिर्फ पढ़ाया जाता था बल्कि उनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता था जिनके पास सुविधाएं नहीं थी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और सुपर 30 प्रोग्राम में स्टूडेंट्स का पोटेंशियल जानने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाने लगा और इसके टॉप 30 स्टूडेंट को फ्री में आईआईटी जेई की तैयारी कराने जाने लगी। हालांकि 2010 में आनंद और अभयानंद के रास्ते अलग अलग हो गए और दोनों ने ही अपने अलग अलग सुपर 30 प्रोग्राम शुरू कर दिए। आनंद के सुपर 30 प्रोग्राम की सक्सेस रेट की बात की जाए तो ऑन एवरेज 30 में से 27 से 28 स्टूडेंट हर साल आईआईटी क्रैक करते हैं। 2008, 2009, 2010 और 18 में आनंद के सुपर 30 में से 30 बच्चों ने ही आईआईटी क्रैक की। लेकिन 2008 में आनंद ने फिर सुर्खियों में जगह बनाई। इस बार वजह कुछ और थी। आईआईटी गुवाहाटी के 4 छात्रों द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कुमार के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि आनंद का दावा है कि उनके 30 छात्रों में से 26 ने आईआईटी जेई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी के इन 4 छात्रों ने दावा किया कि केवल 3 ने ही एग्जाम क्रैक किया। दावा तो ये भी किया गया है कि आनंद ने कभी परीक्षा के पहले अपने स्टूडेंट्स के नाम का खुलासा ही नहीं किया, जिसके कारण ये वेरीफाई ही नहीं किया जा सकता है कि जिन छात्रों ने एग्जाम क्लियर किया था वो वही हैं जिन्होंने सुपर 30 में तैयारी की थी। गुवाहाटी के उच्च न्यायालय ने आनंद को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें छात्रों द्वारा दायर जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए कहा गया था। कहा जा रहा है कि आनंद ने इस जनहित याचिका का जवाब नहीं दिया, जिसने उन्हें 2018 में आईआईटी में प्रवेश पाने वाले 26 छात्रों के नामों का खुलासा करने के लिए कहा था।
आपको बता दें कि आनंद के जीवन पर एक फिल्म बनाई जा रही है सुपर 30। याचिकाकर्ताओं ने फिल्म की रिलीज से कुछ हफ्ते पहले इस साल फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा कि एक अदालती मामले में फंसे होने के बावजूद आनंद पर फिल्म कैसे जारी की जा सकती है जो उनके जीवन का जश्न मना रही है। हाई कोर्ट ने एक नोटिस के माध्यम से आनंद कुमार को जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा है। आनंद, जो खुद उन पर बनी फिल्म सुपर 30 की मेकिंग में शामिल है, उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर एक इंटरव्यू में कहा, ऐसे लोग हैं जो मेरे बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं। मैं किसी से कोई दान अनुदान नहीं लेता हूं। हमारे प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी या आनंद महिंद्रा जैसे बिजनेस टाइकून ने दान की पेशकश की है, लेकिन मैंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया है। मैं सभी से मिलता हूं, लेकिन मैं किसी से पैसे नहीं लेता हूं। जब आनंद कुमार का ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो इस पर खुद आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर उनके साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, आनंद कुमार लेख में कहते हैं कि उन्होंने अपने प्रयासों के लिए मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैं पुष्टि करता हूं कि जब हम मिले थे तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक वित्तीय सहायता के मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। मैं इस बात का प्रशंसक हूं कि उसने कितने लोगों के जीवन को बदल दिया। हालांकि इन सभी कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद आनंद कुमार पर बनी फिल्म सुपर 30 शुक्रवार को सिनेमा घरों में आ चुकी है और रिलीज के पहले दिन ही लगभग 12 करोड़ की कमाई भी कर चुकी है। ऋतिक रोशन, जिन्होंने 2.5 साल बाद कमबैक किया है, इस फिल्म में आनंद कुमार की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि ये फिल्म एक सफल फिल्म साबित होने वाली है। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।